हेलो गाइस, जानवी जेठवा हियर एंड आप देख रहे हैं जानवी जेठवा मेकओवर। सो आज मैंने ये एक सॉफ्ट लुक क्रिएट किया है फॉर दी बिगिनर्स। ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है जो मेकअप अभी सीख रहे हैं। सो आप देखिएगा कि किस तरह से मैंने ये लुक क्रिएट किया है। और आज मैंने कोई भी हार्श कॉन्टोरिंग नहीं की है, मैंने आज एक सॉफ्ट एंड सटल लुक दिया है मेरी मॉडल को। सो बने रहेगा मेरे वीडियो में। सो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट यहाँ पे मैंने फेस को क्लीन कर लिया था, देन उसके बाद मैंने यूज़ किया है टोनर एंड अब अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। सो यहाँ पे मेरी मॉडल की स्किन ऑयली है, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लिया है। और मॉइस्चराइज़र जो है वो स्किन को हाइड्रेट करता है। सो मेकअप करने से पहले आप ये 3 स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देन यहाँ पे मैं क्राइलोन का ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी मॉडल की स्किन पे छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स हैं एंड पिंपल के मार्क्स भी है एंड अंडर आइज पे डार्क सर्कल भी है। सो हम ऑरेंज कलर करेक्टर की हेल्प से ये सबको कवर करेंगे। अगर हमने हमारी स्किन के ऊपर विथआउट कलर करेक्शन किए बिना ही हम फाउंडेशन को यूज़ करेंगे तो हमारा बेस जो है वो ग्रे हो सकता है और हमें एक हाई कवरेज नहीं मिलती। सो हमें फाउंडेशन यूज़ करने से पहले कलर करेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये स्टेप को आप कभी भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको एक अच्छा बेस नहीं मिलेगा। सो हमें कलर करेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है हर मेकअप में। हमको ये स्टेप कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हमारी सारी जो फेस की प्रॉब्लम्स है वो इस करेक्टर की हेल्प से हाइड हो चुकी है। देन उसके बाद हम फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ओजी का फाउंडेशन और उसके साथ मैंने मिक्स किया है मेबेलिन का फाउंडेशन। ये दोनों फाउंडेशन के शेड को मैं मिक्स एंड मैच करके यहाँ पे एक अलग शेड बनाया है मैंने और वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप एक बिगनर से और मेकअप अभी सीख रहे हैं तो आप एक अफोर्डेबल ब्रांड के फाउंडेशन ले सकते हैं, जैसे कि मेबेलिन हो गया। तो ये ऐसे कुछ फाउंडेशन हमें 500 या 600 रुपए में मिल जाते हैं, हमें आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और ऑफलाइन स्टोर से भी हमें मिल जाते हैं ये। और ये फाउंडेशन हमें मीडियम कवरेज प्रोवाइड करते हैं। सो प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ ऐसे ही फाउंडेशन चाहिए होते हैं। आप डायरेक्टली कॉस्टली प्रोडक्ट मत परचेस कीजिए, आप एक जस्ट ड्रग स्टोर से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो इनसे हमारा काम चल जाता है, हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाती है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। मैंने भी अपनी जर्नी मेबेलिन से ही शुरू की थी। सो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए मेबेलिन का फाउंडेशन परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है और उसके बाद मैंने कंसीलिंग भी कर ली है कंसीलर की हेल्प से। देन उससे मैं यहाँ पे बनाना पाउडर से सेट कर रही हूँ। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड और इम्पोर्टेंट चीज़, आप चैनल के सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, सो उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सो आज मैं यहाँ पे कोई भी हार्श कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ अपनी मॉडल को, मैं यहाँ पे एक सॉफ्ट लुक दूंगी। सो इसलिए मैंने यहाँ पे एक डार्क कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से मैं डायरेक्टली ब्रोंजिंग कर रही हूँ। सो डायरेक्टली ब्रोंजिंग करने से हमें एक सॉफ्ट लुक मिलता है और कॉन्टोरिंग करने से हमें एक शार्प लुक मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या है, एक सॉफ्ट लुक। सो इसीलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ।
और जहाँ पे हम कॉन्टोरिंग करते हैं ठीक वही एरियाज पे हमें डायरेक्टली ब्रॉन्जिंग करनी है, तो इससे एक हमें सॉफ्ट लुक मिलता है। और आप देख सकते हो कि विदाउट कॉन्टोरिंग भी हमारा मेकअप एक 3D लग रहा है। देन अब बारी है आई शेडो की। तो यहाँ पे मैं आई शेडो लगाने से पहले मैं आई बेस लगा रही हूँ। तो आज मैंने मेरी मॉडल को एक सटल सा आई लुक दिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरी मॉडल ने वियर की है अजरक की साड़ी। सो इस लुक के फोटोज़ देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है shagunbeautypalar27, जो मैं आपको हर वीडियोस में बताती हूँ कि आप मुझे जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो वहाँ पे भी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करती हूँ। देन अब स्टार्ट करते हैं आई शेडो। तो यहाँ पे मैंने एक लाइट ब्राउन शेड लिया है और उसे अप्लाई करने के बाद एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड जो भी बिगनर्स है उससे आई शेडो में अगर दिक्कत हो रही है तो आप अपने हैंड्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आई शेडो को लेकर उस पे ब्लेंडिंग कर सकते हैं ताकि आपकी ब्लेंडिंग अच्छी हो। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने आउटर कॉर्नर पे एक डार्क ब्राउन शेड लिया है और उसे भी मैं फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक गोल्डन एंड सिल्वर सिमर शेड, दोनों शेड को मैंने मिक्स करके यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ आई लिड्स पे। और अब मैं इसे फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन नज़र ना आए। देन उसके बाद मैंने वॉटर लाइन के नीचे एक डार्क ब्राउन शेड को लिया है। मैंने यहाँ पे कोई भी काजल का यूज़ नहीं किया है, मैं डायरेक्टली ब्राउन शेड को अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि विदाउट काजल के हमारी आईज बहुत ही प्रिटी लग रही है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिक्विड आईलाइनर लिया है और उसकी हेल्प से मैं एक छोटा सा विंग आईलाइनर क्रिएट करूँगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको बताना चाहूँगी कि आप डायरेक्टली जेल आईलाइनर की हेल्प से आईलाइनर क्रिएट मत कीजिएगा, आप प्रैक्टिस के लिए लिक्विड आईलाइनर ले सकते हैं। इनसे हम एक अच्छा आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हैं और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे इस पुली की हेल्प से आईब्रो को कॉम कर रही हूँ और अब मैंने यहाँ पे ब्राउ को फिल करना स्टार्ट किया है। सो आई थिंक आपको पता ही होगा कि आईब्रोज को कैसे फिल करते हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर रहे होंगे तो आपको और भी टेक्निक पता होगी। सो जिन्होंने भी मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो जल्दी जल्दी देख लीजिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और उसमें बहुत सी नई नई टेक्निक जो मैंने आपके साथ शेयर की है, सो आपको वो डेफिनेटली काम आएंगी। वैसे तो मैं ज़्यादातर क्रिएटिव लुक से करती हूँ, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए, आप मेरे बिगनर्स को सिखाने के लिए आज मैंने ये सिंपल और सटल लुक किया है। सो वैसे मैं बहुत एक्साइटेड थी आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने के लिए। सो यहाँ पे डन होते हैं हमारे आईब्रो एंड उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का मस्कारा। तो आज मैंने कोई भी फेक आईलैशेस नहीं लगाए हैं, आज हम सिर्फ मस्कारा के साथ ही काम चलाएंगे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लश। तो मैंने यहाँ पे पिंक एंड ब्राउन टोन को मिक्स करके एक शेड क्रिएट किया है और उससे मैं अप्लाई कर रही हूँ। देन ब्लशर के बाद बारी आती है हाइलाइटर की। तो यहाँ पे मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं किन किन जगह पे हाइलाइटर को अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चिक एरिया, चिन एरिया, क्यूपिड बो, फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज एंड ब्राउ बोन पे हाइलाइटर को अप्लाई कर रही हूँ मैं। ये हमारे फेस के हाईएस्ट एरियाज होते हैं, अगर सामने से कहीं से भी लाइट आती है तो हमारे ये एरियाज जो है वो हाईलाइट होके
नज़र आते हैं, सो उसी पे हमें हाइलाइटर अप्लाई करना होता है ताकि हमारा फेस एकदम ग्लोई नज़र आए। तो अब बारी है लिपस्टिक की, तो यहाँ पे मैं क्यूपिड बो पे भी क्रिएट करके लिप लाइन क्रिएट कर रही हूँ। तो जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, ताकि मेकअप के लिए जो भी डाउट्स है मन में वो सारे क्लियर हो जाए। एंड मैंने मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएट की है, सो अगर आप मेकअप को अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और मेकअप को लेके आपके मन में जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे डन होता है आज का हमारा ये लुक, और यहाँ पे मैंने छोटी सी बिंदी अप्लाई कर दी है। सो अब बताइएगा कि ये लुक आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अब आपको करनी है प्रैक्टिस, यानी कि इस लुक को रिक्रिएट करना है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये आज का लुक अच्छा लगा होगा। सो मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए से लुक के साथ, एक नए से कंटेंट के साथ, और बहुत सारी टेक्निक के साथ। सो तब तक के लिए बाय गाइज़।